फ्राइडे गए हैं रथ यात्रा और आज हमारे यहाँ पे रथ यात्रा की उद्बोधन हो रहा है, यानी कि रथ यात्रा की पूजा हो रहा है। यहाँ आज शायद रथ निकलेगा मंदिर से, तो आज हम वहीं जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज है संडे, आज है यहाँ की रथ यात्रा, यानी कि डायरेशलम की रथ यात्रा। इंडिया में फ्राइडे को ऑलरेडी हो चुका है, तो इंडिया में पकड़ू रथ यात्रा तो आज तीन दिन होने वाला है, बट आज यहाँ पे रथ यात्रा की शुरुआत है। इसीलिए आज यहाँ पे शुरुआत है क्योंकि आज संडे भी है और संडे यहाँ के ज़्यादातर लोग तो सब फैक्ट्री कंपनी में जॉब करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी आसानी हो जाती है। संडे सब फ्री रहते हैं, सबकी छुट्टी होती है यहाँ पर, तो सब इकट्ठा हो सकता है कोई भी प्रोग्राम में। तो सारे प्रोग्राम सैटरडे नाइट एंड संडे रखा जाता है। तो हमारा डायरेसलम की रथ यात्रा है और बहुत दिन के बाद हम भी रथ यात्रा में शामिल होंगे, पूजा में शामिल होंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम शामिल हुए थे नाइजीरिया में, वो भी मैं कितना साल, 4-5 साल हो गया है। तो बहुत दिन बाद यहाँ तंजानिया में डायरेसलम में हम सब एक साथ पूजा में शामिल होंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी फुटेज, और बात भी ना कर पाओ क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा होगा, शायद भगवान जी का सॉन्ग चलेगा, तो हो सकता है बात ना कर पाओ। तो मैं कोशिश करूँगी बाद में सारे वॉइस मैं रिकॉर्ड कर दूँ। तो चलिए फिर देखते क्या क्या होता है, क्या नहीं, सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और एक बात है, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं बोलना भूल जाती हूँ तो इसलिए लास्ट में बोला। तो चलिए फिर चलते हैं। हम पहुँचने से पहले यहाँ पे देखो रथ ऑलरेडी रथ लेके सब निकल चुके थे रास्ता में। तो हम जब मंदिर पहुँचे तो जाके देखा सुनसान था मंदिर बिल्कुल ही। तो फिर उन्होंने किसी को फ़ोन किया, वो भी जान पहचान को फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला आप लोग इसी रास्ते से आ जाओ तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, हम यहाँ पे ही है। तो फिर हम जाके फिर मंदिर से निकल के फिर हम जहाँ रथ था तो वहाँ कोई जान पहचान मिल गई थी, वो भी बंगाली है फैमिली। फिर उनसे मुझे बात करते करते बहुत टाइम हमने बिता लिया उस दिन। तो मैं यहाँ पे आदर्श को बोली थी बाबू आप थोड़ा वीडियो बना लो, तो आदर्श थोड़ा थोड़ा करके जितना फुटेज है मंदिर की, ये है शिव भगवान की मंदिर है, तो यहाँ पे बहुत सारा मंदिर है, तो जितना आदर्श से हो सका तो उसने उतना ही लिया। और मैं, वो दीदी है हमारा बंगाली है, तो मैं उनसे बात करते करते पूरा मंदिर घूम रही थी। यहाँ पे सब बैठे हैं आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे खाने का सब व्यवस्था किया गया है प्रसाद भोजन करने के लिए। तो देखिए मैं आगे आगे जा रही थी उनके साथ बात करते करते, और उन्होंने मुझे बोल रहे थे इसके बाद हम हमारा घर जाएंगे, बैठेंगे, करेंगे, वो करेंगे। तो यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, तो हस्बैंड ने बोला तो वहाँ चल के बैठते थोड़ी टाइम, तो हमने वहाँ पे गए थे, बट मंदिर यहाँ पे जो था बंद था। और बाजू में ही देखो सब खाना लेके जा रहे थे, यानी कि प्रसाद लेके जा रहे थे, उस टाइम प्रसाद वितरण की टाइम था और सब्जी वगैरह सब लेके जा रहे थे। हम जा रहे थे बालाजी मंदिर में, तो जाके देखा मंदिर बंद है यार, बट हस्बैंड बोल रहे थे ये मंदिर में मुझे आके बहुत सुकून मिलता है और मुझे शांति भी मिलती है, तो लगता है मैं घंटों यहाँ पे बैठे रहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर। तो इन्होंने बोला, तो देखा हमने मंदिर बंद है तो क्या करना है, तो फिर थोड़ा सा प्रणाम करके फिर वापस आ गए जहाँ पे खाना पीना सब भजन मतलब प्रसाद चल रहा था, फिर वहाँ आके बैठे। फिर
ये देखो यहाँ पे हम प्रसाद भोजन करने के बाद हम सब बैठे थे और मैं और दीदी के साथ बात कर रही थी और एक लेडी के साथ और एक लेडी मिले और बात ना करे कभी होता ही नहीं है। अरे यहाँ पे आदर्श अमन सब ने खाना खा रहे क्योंकि इन लोगों को बहुत लेट हुआ इसीलिए क्योंकि लाइन बहुत बड़ा था, खाना मतलब प्रसाद लेने के लिए लाइन देना पड़ा था। और मुझे एक चीज़ बहुत याद आता है जो बचपन की रथ यात्रा जब मामा के घर में जाती थी मैं, वहाँ पर बहुत मज़ा होता था। मैं 2-4 दिन 1 हफ्ता तक रहती थी, मेला होता था, बहुत मजा होता था, बहुत एंजॉय किया और मुझे बहुत याद आती है वो दिन सच्ची। हम आए हैं अभी घर वापस, मतलब घर पे अभी आए हैं और आज का दिन जो था तो बहुत ही अच्छा गुजरा, उतना मैं सूट नहीं कर पाई बट तभी भी अच्छा ही लगा। फिर वहाँ पे मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी क्योंकि हमारा बंगाली कोई मिल गया था तो उनके साथ ही थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मतलब उन लोगों के साथ उन लोगों के घर गए, चाय वाय पिया, थोड़ा बैठे बातचीत किया, फिर एक साथ उन लोगों को लेके मंदिर में गए तो मंदिर से भी प्रसाद वगैरह खा के फिर उनके घर गए। फिर उन लोग छोड़ ही नहीं रहे थे तो बोल रहे थे रात को डिनर करके जाने के लिए। फिर हमें बहुत सारे सामान लेना था, फ्रूट सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत लेना था तो इसी वजह से हम वहाँ से निकल के आए। मतलब निकलने के बाद फिर कुछ सब्जी वगैरह लिया, कुछ फ्रूट्स लिया, फिर अभी घर वापस आए तो मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ क्या के क्या क्या सब्जी हमने लिया, क्या फ्रूट्स। सब्जी नहीं शेयर करती हूँ तो कॉमन होता है बट कुछ फ्रूट्स जो मुझे हमेशा यहाँ आके मैं बहुत फ्रूट्स खाती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। सब कभी बोलते हैं ना जो लोग कभी हमेशा एक जैसा नहीं रहते तो कुछ ना कुछ उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है। पहले मुझे फ्रूट्स उतना अच्छा नहीं लगता था, मैं खाती नहीं थी, खरीदती थी बट घर में रहता था, बच्चे खाते थे और एक दो फ्रूट्स छोड़ के मैं और कुछ खाती नहीं थी। अभी मुझे जो मिलता है मैं सब कुछ खाती हूँ तो वो टाइम टाइम की बात होती है और वक्त वक्त की बात होती है, बस ऐसे ही है। तो चलिए फिर फ्रूट्स वगैरह जो जो मैंने लिया शेयर करती हूँ, देन मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। और व्लॉग एंड करने से पहले मैं बोल देती हूँ जो आप खुश रहिए और अपना फैमिली को खुश रखिए, बस आप खुश रहेंगे तो डेफिनेटली आपके फैमिली बहुत खुश रहेंगे। तो यहाँ देखिए मुझे फ्रेश फ्रेश यहाँ पर जो साग है, लाल वाला साग हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते खाने में, और ए है ग्रीन वाला शाक, दोनों साग हमें यहाँ पे मिल गया। तो मैंने इसको क्या बोलते हैं, लाल वाला जो साग है वो 2000 सिलिंग और ग्रीन वाला जो साग है वो 1000 सिलिंग में मैंने परचेज किया। और किचन ध्यान मत देना क्योंकि आज जैसे संडे है तो मेरा डैडा यहाँ, मेट को डैडा बोला जाता है तो डैडा नहीं आई तो इसी वजह से किचन ऐसे ही है, क्योंकि मैं सुबह से किचन में आज आई नहीं। ब्रेकफास्ट जो था मैंने कॉर्नफ्लेक्स और दूध ही लिया, सब ने ऐसे ही लिए तो इसलिए मुझे आना नहीं पड़ा, तो हस्बैंड ने वो चीज़ प्रिपेयर किया था तो बस यही। तो ये बनाना मैंने यहाँ पे 1500 में लिया, देन यहाँ पे थोड़ा ग्रीन ग्रीन ऑरेंज है ये मुझे अच्छा नहीं लगा इसीलिए मैं मेरे पसंदीदा ऑरेंज भी लिया। और ये है जो उस दिन भी मुझे मिला था चीकू और मुझे बहुत खाना पसंद है तो ये 4000 किलो है, 4000 सिलिंग है 1 किलो। तो उस दिन मैंने हाफ़ के जी लिया था, हाफ के जी भी नहीं 4 पीस लिया था, आज मैंने 1 ही किलो ले लिया क्योंकि हमेशा मिलता नहीं है जी। और तीन में ये देखो यहाँ पे पोपो लिया, पोपो मुझे 2 मिला है और 2 मिला है 3000 में। और ये है देखो ये 12 पीस लिया मैंने 2000 में, ये जो ऑरेंज ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अभी ठंड है तो ये बहुत ज़्यादा अभी अवेलेबल है ऑरेंज। तीन क्या है ये है फिर से ये देखो, और एक फिर मैंने और क्या लिया, अच्छा एवोकाडो भी है। देन मैंने यहाँ पे 4 एवोकाडो 5000 में मिला। फिर और क्या है, और कुछ नहीं, साजन ड्रम स्टिक
प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, बट लिया कभी कभी ये खाना चाहिए। इसमें क्या बोलते हैं, घुटनों का दर्द जो है वो सही होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है इस खाने से। और ये है बनाना फ्लावर। तो यही था आज का वेजिटेबल्स, मतलब फ्रूट्स में था और एक दो वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे शेयर किया। वेजिटेबल्स इसी बैग के अंदर है और हमने चिकन भी लिया, लाइव चिकन यहाँ पे बहुत अवेलेबल मिलता है।